तो दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गेहूं के आटे का कुरकुरा नाश्ता, जो खाने में बहुत ही ज्यादा चटपटी और टेस्टी लगती है और घर में रख के सामानों से ही बन जाते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने ये 1.5 कप गेहूं का आटा लिया है। इसमें हम डाल रहे हैं 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन। इसको हम क्रश करके डालेंगे, इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और ये पाचन का भी काम करता है। 1/2 छोटा चम्मच नमक और 2 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल डाल देंगे मोयन के लिए। इससे हमारा नाश्ता खस्ता बनेगा। अब हम इन सभी चीजों को आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूंथ लेंगे। रोटी के लिए जैसे आटा गूंथते हैं ना, उसी तरह का मैंने आटा लगाया है। अब इसे सेट होने के लिए रख देंगे। और अब चलिए हम नाश्ते की फिलिंग बना लेते हैं। तो इसके लिए गैस पर पैन या कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल, 1 छोटा चम्मच इसमें जीरा डाल देंगे। जीरा क्रैकल हो गया है तो हम इसमें डालेंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अगर तीखा कम पसंद करते हो तो हरी मिर्च को स्किप कर दीजिएगा। प्याज को हमने हल्का ब्राउन होने तक भून लिया है। अब हम इसमें आलू डाल देंगे। तो हमने 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलूओं को मैश करके लिया है। साथ में 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। 1/2 छोटा चम्मच हमने भुने जीरे का पाउडर लिया है और 1/2 छोटा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा हमने नमक लिया है। अब हम इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इनको 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे। अगर आलू के बड़े टुकड़े हों तो उनको पलटे से मैश कर लीजिएगा, जिससे इनको भरने में आसानी हो। मसाले आलूओं में अच्छे से मिक्स हो गए हैं और ये अच्छी तरह से भुन गए हैं, तो हम इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और इनको मिलाने के बाद हम गैस ऑफ कर देंगे और इनको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक हम बाकी की तैयारी कर ले रहे हैं। तो आटे को हम एक बार और मसल ले रहे हैं, जिससे ये और अच्छे से चिकना हो जाए। अब हम इसकी बड़ी बड़ी लोई तोड़ लेंगे। तो देखिए इसके हम 4 भाग कर रहे हैं और हाथ से मसल कर इनके हमने चिकनी चिकनी लोई बना ली है। अब हम साटा तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने एक बाउल में ली है 2 चम्मच मैदा। इसमें हम डाल रहे हैं 2 बड़ी चम्मच देसी घी। इसकी जगह आप रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं। तो इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा साटा तैयार हो गया है। अब हम एक लोई लेंगे। लोई को हमने सूखे आटे में लपेट लिया है, जिससे इसे बेलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसे हमें नॉर्मल रोटी जैसा बेलना है, लेकिन रोटी से थोड़ा पतला रखेंगे और थोड़ा बड़ा बेलेंगे। इस तरह से हमने सारी रोटी को बेलकर तैयार कर ली है। अब हम इसमें से एक रोटी लेंगे और इसके ऊपर साटा लगाएंगे। 1 चम्मच के करीब हम ये साटा लेंगे और इसे रोटी के ऊपर डाल देंगे और इसे उंगली से अच्छे से फैला लेंगे। रोटी के सभी तरफ हमने साटे को अच्छे से फैला लिया है। अब हम इसके ऊपर दूसरी रोटी रखेंगे और इसके ऊपर भी हम ये साटा लगा लेंगे। इस तरह से एक के ऊपर एक सारी रोटियां लगा लेंगे। तो देखिए चारों रोटियों को हमने लगा ली है। अब हम इसे फोल्ड करेंगे। तो इसे एक तरफ से उठाएंगे और इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और ये जो किनारे का हिस्सा है इसे उंगली से इस तरह से दबा देंगे, जिससे ये खुले नहीं। इनको एक बार और रोल कर लेंगे, जिससे इनमें जो एयर बबल हो वो निकल जाए और नाश्ते में लेयर अच्छी बने। तो अब हम इस रोल को कट कर लेंगे। तो मैं इनको मीडियम साइज में कट कर रही हूँ। आप थोड़े बड़े या छोटे साइज में कट कर सकते हैं। इस तरह से मैंने इनके पीसेस कट कर ली है और ये देखिए इनमें कितने अच्छे लेयर आए हैं। अब इनको हम इस तरह से हाथ में लेंगे और उंगली से दबाते हुए चिपटा करेंगे और उसके बाद हम इसे हथेली से दबा देंगे। आप चाहें तो इसे इस तरह से बेलकर भी बना सकते हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच आलू का स्टफिंग भरेंगे और इसको सभी तरफ से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसे बीच में अच्छे से दबा देंगे, जिससे ऑयल में डालते समय ये खुले नहीं। और अब हम इसको दोनों हाथों के बीच में रखकर दबा देंगे। इस तरह से सारे नाश्ते बनाकर तैयार कर लेंगे। और दोस्तों बेलते समय या हथेली से दबाते समय इनको थोड़ा तिरछा दबाइएगा, इससे फ्राई करते समय लेयर्स के अंदर ऑयल एब्जॉर्ब नहीं होंगे और नाश्ता बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं बनेगा।
तो मैंने दोनों तरीका बताया है, आप चाहें तो बेलकर बनाइए या इस तरह से हथेली से बनाइए, दोनों ही तरह से बहुत अच्छे से लेयर खुल कर आते हैं। और ये देखिए सारे नाश्ते को हमने तैयार कर ली है और मैं इनको सैलो फ्राई कर रही हूँ। तो हमने 2 बड़े चम्मच पैन में तेल गरम कर लिया है और जितना पैन में आ जाए हम इसमें ये एक एक करके डाल देंगे और इनको एक तरफ से सिकने के बाद दूसरी तरफ पलट लेंगे। और फ्राई करते समय दोस्तों गैस का फ्लेम मीडियम और लो के बीच में रखिएगा जिससे ये अच्छे से पक जाए। हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, तो इनको धीमी आंच पर ही धीरे धीरे उलटते पलटते हुए फ्राई करिएगा। और देखिए इनका कलर गोल्डन हो गया है, तो हम इनको निकाल लेंगे और बाकी बच्चे नाश्ते को भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर कम ऑयल में भी ये नाश्ता अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कितने क्रिस्पी बने हैं, सारे नाश्ते को हमने फ्राई कर लिया है। आप इन्हें सुबह शाम की चाय के साथ खाइए, ब्रेकफास्ट में लीजिए या बच्चों के लंच में दीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लेयर आई है इसमें और ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। तो चलिए मैं इनको तोड़कर दिखाती हूँ, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है दोस्तों, आप भी ट्राई करिए और पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, धन्यवाद।